ओम शांति। बाबा हम सभी को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए निरंतर गाइडेंस दे रहे हैं। जो आत्माएं संपूर्ण और संपन्न बनेंगी, वे पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह विश्व गगन में चमकेंगी। उनके द्वारा ही संसार से अज्ञान का अंधकार विनाश होगा। वे ही संसार को नई दिशा देने वाली होंगी। उन्हीं का बहुत ज्यादा महत्व संसार में होगा। भगवान वाच है, जरा आगे चलो, अंत का समय आने दो। जिन आत्माओं ने लंबे काल से साथ निभाया है, उनका इस सृष्टि पर कितना महत्व हो जाएगा, ये सभी देखेंगे। तो हमें ध्यान देना है, हमें अपने लक्ष्य की ओर चलना है। लक्ष्य को भूलकर और बातों में विचलित हो जाना, ये इस समय बुद्धिमानी नहीं होगी। सभी के लिए साक्षी भाव धारण करते हुए हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, ऐसा साक्षी भाव रखते हुए हमें स्वयं को महान बनाना है। किसी भी उलझन में उलझकर जो रह जाएंगे, वो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेंगे। और जो लाइट हाउस बन जाएंगे, वो सारे संसार को मंजिल दिखाएंगे, उस पर चलने का मार्ग दिखाएंगे। तो आइए हम संपन्नता और संपूर्णता की ओर चलें। और दूसरा भगवान वाच याद करें, मैंपन और मेरेपन का त्याग कर देना ही संपन्न बनना और संपूर्ण बनना है। यही आधार है। कितनी सूक्ष्म बात बाबा ने कही, परंतु बड़ी सूक्ष्मता से ये मैंपन मनुष्य के अंदर आ जाता है। हम कोई भी कार्य की सफलता को देख पहले बाबा का गुणगान करने लगते हैं, वाह बाबा तुमने कितना अच्छा किया। फिर अपना भी गुणगान करने लगते हैं, हमने भी ये किया। इसलिए जब दोनों का गुणगान मिक्स हो जाता है, तो आत्माओं पर हमारा गहरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये सूक्ष्म मैंपन दूसरों की भावनाओं को समाप्त कर देता है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है कि मैंपन का त्याग ही, मेरेपन का त्याग ही आधार है अश्रतनों का भी। अश्रतन बनने वालों को ऐसा योगयुक्त हो जाना चाहिए, बाबा की शक्तियों को इतना सूक्ष्मता से पहचान लेना चाहिए कि मैं और मेरे का कहीं अंश ही न रह जाए। तो हम इसको बहुत सूक्ष्मता से लें और चेक कर लें कि कहां सूक्ष्म रूप से मेरापन तो नहीं है। बड़ी गहरी जड़ें हैं इन दोनों की। मेरा परिवार, मेरी धन संपत्ति, मेरा मान शान, मेरे संस्कार, मेरी सेवा, मैं, ये सब बहुत चलता है। लेकिन जो आत्माएं मैं और मेरे का त्याग कर देंगे, बहुत बड़ी चीज है। पांच तत्व भी उनके गले में सफलता की माला डालेंगे, वो प्रकृति के भी मालिक बन जाएंगे और कदम कदम पर उन्हें सफलता प्राप्त होगी। तो बहुत एक बड़ी चीज इस पर हम ध्यान दें, जिनको जीवन में आगे चलकर महान सेवाएं करनी है, जिन्हें संसार को, युग को बदलने में बाबा का बहुत बड़ा सहयोग करना है, वो मैंपन और मेरेपन से मुक्त होकर संपूर्ण समर्पण भाव से योग युक्त हो जाएं, तो कमाल होगी। आज सारा दिन हम इस पर बहुत ध्यान देंगे और चेक करेंगे कहां कहां मैंपन और मेरापन आता है। हो सके तो इसकी लिस्ट भी बना लें और सारा दिन अभ्यास करेंगे आज,
फरिश्ता सो देवता का। एक ओर हमारी फरिश्ते की ड्रेस टंगी है देह रूपी वस्त्र, दूसरी ओर देवताई ड्रेस, और मैं आत्मा इस ब्राह्मण शरीर में हूँ। यहाँ से निकलकर मैं देवताई स्वरूप धारण कर लेती हूँ, फिर वहां से निकल के फरिश्ता स्वरूप, इस तरह कभी फरिश्ते स्वरूप में कभी देव स्वरूप में स्वयं को अनुभव करेंगे। ओम शांति।